अभी हमने बात की अपने लकी कॉलर से और वक्त हो चुका है सूबे के सितारे की, और सूबे के सितारे में हम कोई ना कोई कुंडली चयन करते हैं एक सितारे की। तो आज हमने जो चयन किया है वो है अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब ये देखना उनकी कुंडली में कि इनका सियासी सफर कैसा रहेगा, अभी हम बात करेंगे। आज के सियासी सितारे में बात एक ऐसे इंजीनियर की जिसे यूपी की जनता टीपू भी कहकर बुलाती है, और जो साल 2012 में यूपी के सियासत के सुल्तान बनकर उभरे। ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अखिलेश यादव की पहचान उनके पिता मुलायम सिंह यादव की बदौलत थी। बतौर सांसद वो 3 बार संसद में पहुंचे, लेकिन 2012 विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते समाजवादी पार्टी को 224 सीट जिताकर सभी को हैरान कर दिया और यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। क्या इनके सितारे फिर बुलंद होंगे? क्या कहती है ग्रहों की चाल, बताएंगे लग गुरु। ये रहा सियासी सफर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। अब हम आइए देखते हैं इनकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह था जो इनको एक लोकसभा के सदस्य से इनको उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया, और कौन से ऐसी ग्रह की दशा थी जो इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो नीचे उतारा, और वह कौन सा कारण था, कौन सा ऐसा ग्रह था जो इनको राजनीति में ले आया। एक व्यक्ति जो एकेडमिक कैरियर के दृष्टिकोण से वो अपना अच्छा करना चाहता था, राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन कौन सा ऐसा ग्रह था, किस ग्रह के नाते वो राजनीति में आए, और कौन सा ऐसा ग्रह था जो इनको शीर्ष पर ले गया, और कौन सा ऐसा ग्रह है जो विरासत में इतनी संपन्नता दी। तो इन सब बातों पर आज हम बात करते हैं। आइए हम देखते हैं अखिलेश यादव की कुंडली जो मेरे पास उपलब्ध है। अखिलेश यादव का जन्म कर्क लग्न में हुआ है। लग्नेश दिवा निशापति चंद्रमा है, जो चंद्रमा बैठा हुआ है मिथुन राशि का द्वादश भाव में। तो चंद्रमा जब लग्नेश हो तो ऐसे जातक बहुत ही शार्प ब्रेन के होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं, और अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने की उनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। और व्यक्ति अच्छा भाषण देता है, अच्छी बातें करता है, और अपनी योजनाओं को कैसे मूर्त रूप में दिया जाता है ये कराता है। दूसरा, चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ही सज्जन बनाता है, सरल बनाता है, और व्यक्ति बहुत ही इमोशनल होता है। लग्न में बुध होने से व्यक्ति अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करता है। तृतीय बुध सूर्य शनि केतु एक साथ द्वादश में बैठा तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिलाता है, और जो इनका दशमेश मंगल है भाग्य स्थान में बृहस्पति की राशि पर बैठा हुआ है, तो ऐसे होता है कि विरासत में व्यक्ति को संपन्नता मिलती है, विरासत में कुर्सी मिलती है, और व्यक्ति उसको जो मिलता है उसमें गुणात्मक रूप से वृद्धि करता अपने परिश्रम के बल पर। पंचमेश मंगल है तो पंचमेश मंगल हाईली क्वालिफाइड बनाता है, उच्च शिक्षा दिलाता है, और व्यक्ति के अंदर विजन होता है, आइडिया होता है, और अपने टेक्निकल शिक्षा भी लिए रहता है, और टेक्निकल शिक्षा को और अपने जीवन में उसको क्या करना है वो पूरा फोकस करके उस पर कार्य करता है। इस कुंडली में छठे भाव में धनु राशि का राहु बैठा हुआ है, तो छठे का राहु धनु राशिगत ये बताता है कि व्यक्ति की राजनीति करने के लिए ही जन्म होता है, और व्यक्ति जन्मजात पॉलिटिशियन होता है। 12वें केतु है तो ये मोक्ष भी कराता है और राजनीति में एक ऊंचाई भी देता है। तो जब ये राजनीति में आए थे तो उस समय इनका ये 2023 से बुध की दशा चल रही है, जो चला है 2020 तक, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा समय था। लेकिन 19 जुलाई 2017 से लेकर के और 19 जून 2008 का जो समय था, बुध में बृहस्पति में केतु था, जो इनके राजनीतिक दृष्टिकोण से उथल पुथल का था, काफ़ी परेशानियों का था। और जैसे ही नवंबर अक्टूबर 2016 से लेकर के और अप्रैल 2018 तक का जो कालखंड था इनके लिए उतार चढ़ाव का था, जिससे इस सत्ता से इनको पदासीन से नीचे उतारा, और ये बुध में जो आपका बृहस्पति में केतु था वो क्या करता है कि सत्ता से नीचे ले जाता है। फिर अब इनका जो समय चल रहा है, इस समय बुध में बृहस्पति में शनि अभी आगे इनको ले जाएगा, तो आने वाला जो कालखंड है इनका नवंबर 2018 से लेकर के और जून 2020 का कालखंड, इनमें केंद्रीय राजनीति में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा, और ये आगे बढ़ेंगे और अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये राजनीति के और पावर के केंद्रबिंदु भी बन सकते हैं, इस तरीके की इनकी कुंडली में इंडिकेटेड है। तो जो कुंडली हम देख पा रहे हैं, एक तो बृहस्पति जो 7वें है ये बहुत महत्वपूर्ण है, 9वें का मंगल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको बराबर सत्ता में रखेगा, नेतृत्व इनका अच्छा होगा, और ये अच्छी एक ऊंचाई करेंगे, और राजनीति में
इनको अच्छा नाम होगा, यश भी अर्जित करेंगे, और अपने जो इनके ऊपर ये है कि इनको विरासत में मिला है, ये उस बात को झूठ कर देंगे, ये अपने मेहनत से राजनीति में अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। ये रहा इनका भविष्य।